हे एवरीवन, सो हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि मैसेज. सो मैसेज क्या होता है? मैसेज एक हम जब यूज करते हैं, सो मैसेज हम बहुत जेनेरिक तरीके से यूज करते हैं, बट मैसेज टेक्निकली इट इज यूज इन रेफरेंस टू एप्लीकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर. जब हम इन लेयर्स पर बात कर रहे होते हैं डेटा के अलॉन्ग विद इट्स हेडर, देन दैट कंप्लीट ब्लॉक इज कॉल्ड a message. And when it comes to transport layer, it is either called segment or datagram depending upon the protocol that is being used at the transport layer. So there are two types of protocols jo transport layer pe use hote hai. One is the TCP and other is the UDP. theek hai, inke bare mein hum aane wale videos mein baat karenge. So TCP and UDP, so let's leave it for the time being. And agar TCP use ho raha hai hamara transport layer pe, so we'll call the message along with its header as segment, and and we'll call it datagram agar UDP use ho raha hai. theek hai, so ye message iske sath transport layer ka header lag jata hai aur usse hum segment bolte hai, right? So ab iske bare mein thodi der mein baat karte hai. Okay, and then yahan tak humne baat kar li. So network layer pe jab hum aate hai, network layer pe अब नेटवर्क लेयर का हेडर लगेगा. सो ये बन जाएगा पैकेट. सो हम बड़े इजीली हम बोल देते कि नेटवर्क पे एक पैकेट यहाँ से वहां जा रहा है. सो दैट पैकेट इज, हम जब नेटवर्क पे बोलते हैं तो नेटवर्क पे मतलब नेटवर्क लेयर पर. ठीक है, सो अब नेटवर्क लेयर के बाद क्या आता है? डेटा लिंक लेयर. डेटा लिंक लेयर पे वी कॉल इट फ्रेम. ठीक है, उसके बाद लास्ट में फिजिकल लेयर. फिजिकल लेयर पे तो बेसिकली बिट्स ही होती है. सो बिट. ठीक है, सो हमारी एक्चुअली ये बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है ये सारी, बट फिर भी स्टूडेंट्स जनरली इसमें बहुत मिस्टेक्स करते हैं एंड एक्चुअली बहुत गलत तरीके से यूज कर रहे होते हैं. सो इट्स एक्चुअली इम्पॉर्टेंट. एंड देन यूज होने वाली कौन सी इम्पॉर्टेंट बात है? देन इज दी नेटवर्क डिवाइसेज जो इन सारी लेयर्स पे यूज होती है. सो ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेज की बात करते हैं. ऑन द ट्रांसपोर्ट लेयर वी यूज गेटवे. ठीक है, ऑन द नेटवर्क लेयर वी यूज राउटर. ऑन द डेटा लिंक लेयर वी यूज ब्रिजेस. And on the physical layer, we use hub repeaters, right? Okay, ये सारे क्या होते हैं? Switches. तो and इनके नाम भी है. For example, router. Router is called a three-layer switch. ठीक है, तो इनके बारे में भी इधर उधर बात होती रहेंगी. बट हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे गेटवे यूज होता है, नेटवर्क लेयर पे राउटर यूज होता है. हम जनरली राउटर को भी बहुत बहुत जेनरिक तरीके से बोल देते हैं कि राउटर से ट्रांसमिट हुआ, पैकेट गया. मतलब ये सारी बातें अभी ठीक है, अभी के लिए इट्स ओके, बट एज एंड वेन हम जब जब ये डिस्कस करते रहेंगे आगे, तो ये बातें और ज्यादा क्लियर होती रहेंगी. ओके, सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, अब जब डिवाइसेस की बात करें तो लेट मी टेल यू कि डिवाइसेस दो तरीके की होती है नेटवर्क डिवाइसेस. वन इज द एक्टिव एंड द नेक्स्ट इज द पैसिव. एक्टिव एंड पैसिव डिवाइसेस क्या होती है? एक्टिव डिवाइसेस मींस दे मेंटेन अ टेबल एंड पैसिव डिवाइसेस डोंट मेंटेन अ टेबल. सो इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे. ऑल राइट, एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट कम्स हियर इज द रोल ऑफ दीज लेयर्स. ठीक है, उससे पहले एक क्वेश्चन. आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस, कौन से लेयर्स पर कौन से एड्रेसेस प्रेजेंट होते हैं? सो इफ यू नो द आंसर कमेंट इट बिलो, एंड इफ यू डोंट देन आई शुड नॉट रादर टेल यू, आई लीव इट इन द डिस्क्रिप्शन. ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में देखना है इसका आंसर. ओके,
सो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि एक्चुअली डेटा सेंडर से रिसीवर से पर जाता कैसे है. सो क्या होता है, अब सेंडर पर, आई टोल्ड यू कि सेंडर पर डेटा एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट होकर फिजिकल लेयर तक जाता है एंड रिसीवर पर फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर पर जाता है. सो सपोज ये हमारा डेटा है तो एप्लीकेशन लेयर पे एप्लीकेशन लेयर से एप्लीकेशन लेयर का हेडर लग जाएगा. ठीक है, इट्स एप्लीकेशन लेयर हेडर, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है. एंड ये पूरा हमारा क्या बन गया, मैसेज. ठीक है, ये हमारा बन गया मैसेज. अब प्रेजेंटेशन लेयर पे प्रेजेंटेशन लेयर हेडर और ये पूरा मैसेज ऐसे आ गया, इसे भी हम कहते हैं मैसेज. ठीक है, ठीक है, थोड़ा रेडिकुलस साउंड कर रहा है बट ठीक है. एंड बट ये मैसेज और ये मैसेज सेम है, ये मैसेज मैंने डिफरेंटली यूज़ करा है. मतलब आई शुड नॉट यूज़ मैसेज हियर, थोड़ा एम्बिग्यूटी क्रिएट कर रहा है. सो आई शुड रादर ड्रॉ इट दिस वे, सेंडर एंड डेटा एंड एप्लीकेशन लेयर हेडर. सो यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर हेडर, एप्लीकेशन लेयर हेडर एंड डेटा, ये प्रेजेंटेशन लेयर पे हो रहा है. ठीक है, एंड द नेक्स्ट लेयर इज द सेशन लेयर. सेशन लेयर पे सेशन लेयर का हेडर, प्रेजेंटेशन लेयर हेडर, ये तो पूरा का पूरा ऐसे ही नीचे आ जाएगा एंड डेटा. ठीक है, और नीचे नीचे चलते चलते फिजिकल लेयर पे आ जाएगा. तो फिजिकल लेयर हेडर एंड देन डेटा लिंक लेयर हेडर एंड देन नेटवर्क लेयर हेडर, ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर, सेशन लेयर हेडर एंड देन प्रेजेंटेशन लेयर हेडर, एप्लीकेशन लेयर हेडर एंड देन डेटा. ओके, सो ये पूरा हमारा बन जाएगा और प्रेजेंटेशन लेयर पे. ठीक है, सो क्या होगा, ये जो पूरा सेंडर ने भेजा है ये रिसीवर के पास जाएगा. सो रिसीवर के एंड पर क्या होता है, ये जो हेडर्स है ना ये वन बाय वन रिमूव होंगे. जैसे लास्ट वीक अटैच हुआ है प्रेजेंटेशन लेयर हेडर, सो इट वुड बी रिमूव्ड यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर पे रिसीवर के साइड पर. ठीक है, तो ये हेडर रिमूव हो जाएगा और बाकी सारा बच जाएगा. फिर इसमें से जो ये जो डेटा लिंक लेयर हेडर है ये रिमूव हो जाएगा डेटा लिंक लेयर पे, ये वाला हेडर. और यहाँ पर क्या बचेगा, नेटवर्क लेयर हेडर से पूरा सारा जो भी है. ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पर रिसीवर के एंड पर सारे हेडर्स रिमूव होंगे. सेंडर पर सारे लेयर्स के साथ हेडर्स अटैच हो रहे थे, रिसीवर पर उल्टा काम होगा. ठीक है, तो इसीलिए ही हम इसे बोलते हैं, इस आर्किटेक्चर को बोलते हैं हम प्रोटोकॉल स्टैक आर्किटेक्चर. ठीक है, प्रोटोकॉल स्टैक आर्किटेक्चर. अब अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, फ्रेम एंड पैकेट, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू. अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया था, नेटवर्क लेयर पे होता है पैकेट एंड डेटा लिंक लेयर पे होता है फ्रेम. ठीक है, तो नेटवर्क लेयर पे होता है नेटवर्क लेयर हेडर एंड ऊपर से जो भी आ रहा होगा. तो ऊपर वाली लेयर क्या होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है, सेगमेंट. सो सेगमेंट. ठीक है, और डेटा लिंक लेयर पे क्या होगा, डेटा लिंक लेयर का हेडर एंड नेटवर्क लेयर से जो भी आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा, पैकेट. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक फ्रेम. डिफरेंस समझ आया, आई होप दैट्स फाइन. ओके दैट्स फाइन. ठीक है. सो अब हम रेडी हो गए हैं हम सारी फंक्शनैलिटीज देखने के लिए अपने लेयर की. बेसिक्स आर ओवर, अब फंक्शनैलिटीज देख लेते हैं. सो फंक्शनैलिटीज में सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर की ही बात कर लेते हैं. एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, एप्लीकेशन सर्विसेज मिलती है. अब एप्लीकेशन सर्विसेज क्या होती है, लाइक HTTP, FTP, SMTP, etc.
ये भी आगे बात होगी, ठीक है. और द नेक्स्ट लेयर इज प्रेजेंटेशन लेयर. इसमें जनरली हम इनक्रिप्शन रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज सेशन लेयर. सेशन लेयर इज एक्चुअली फॉर डायलॉग फ्लो वगैरह, ठीक है. फिर नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर इज फॉर फ्लो कंट्रोल, कंट्रोल कंजेशन पॉलिसीज वगैरह वगैरह, ठीक है. ये सारी आगे आएंगी बातें. नेटवर्क लेयर इज फॉर राउटिंग ऑफ द पैकेट्स और द ट्रैफिक शेपिंग एट्सेट्रा. एंड डेटा लिंक लेयर इज अगेन फॉर फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, ठीक है. अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ट्रांसपोर्ट लेयर मैंने बोला फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, ठीक है. और मैंने क्या बोला, ट्रांसपोर्ट लेयर पे बोला फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, एंड डेटा लिंक लेयर पे बोला फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या ये सेम है? नो नो, ठीक है, दे आर नॉट सेम. हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे एंड टू एंड फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल होगा, इधर लोकली फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल होगा. लोकली मीन्स इन अ लैन, ठीक है, यहाँ पर इन अ वैन, राइट. इसकी भी आगे बात होगी, ठीक है. ओके, सो ओके, सो डेटा लिंक लेयर पे भी फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल होगा, और इसकी सब्सिक्वेंट वीडियोस में डिटेल में बात होगी कि कैसे होगा, ठीक है. और फिजिकल लेयर पे तो बस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्चुअली चैनल जो होता है हमारा, उसकी जो हमारी केबल यूज हो रही होती है, सो उसकी बात होगी. ओके, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. सी इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय.